नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मेरे चैनल क्रॉच एंड क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप भी घर में सब सुरक्षित और सही होंगे। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, रिंग लेकर आई हूँ, गोल्ड में, वो तीन कलर में आ रही है, कॉपर में, एंटिक में और सिल्वर में। और मैंने ये बनाई है, ये देखिए, एक तरफ से पहनेंगे तो ये, दूसरी तरफ से पहनेंगे तो सिल्वर, देखिए, और तीसरी तरफ से पहनेंगे तो ये हमारा गोल्डन, ये देखिए, ये इस तरह से ये मैंने रिंग बनाई है। और ये मैंने थ्रेड में बनाई है, और ये देखिए, एक ये मैंने डार्क कलर में बनाई है, वाइट, पिंक और ये ब्लू। बनाने में भी बहुत आसान है और पहनने में भी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लगती है ये। ये देखिए, तो आज हम ये बनाएंगे कि हम ये भी सीखेंगे, ये बनेगी। आज हम बनाएंगे रिंग, ये देखिए, ये गोल्ड में भी आ रही है, मतलब कि गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर, तांबा टाइप में जो होता है वो, तीन शेड में आ रही है। ये मैंने इसमें बनाई है धागे में, देखिए, ये इस तरह से भी पहन सकते हैं हम, ये वाइट से भी पहन सकते हैं, और ये हम यहाँ पे गोल्डन से भी पहन सकते हैं। ये देखिए, हम तीन कलर, इसको तीन तरह से इसको यूज कर सकते हैं रिंग को। और ये पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है और बनने में भी बहुत अच्छी, इजीली बन जाती है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। अब हमारे को इसके लिए चाहिए क्या, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपने गोल्ड में देखी होगी, ये गोल्ड में बहुत आ रही है रिंग आजकल, तो मैंने कहा क्यों ना हम ये इसको ट्राई करें इसके अंदर धागे में। तो ये धागे में आराम से इजीली बन गई है। तो ये मैंने लिया है इसके लिए तीन कलर के थ्रेड लिए हैं, आप कोई भी कलर थ्रेड ले लेंगे। इसमें मैंने ब्लू लगाया है, तो इसमें मैंने थोड़ा पिंक चेंज कर दिया है, गोल्डन, सिल्वर और पिंक। अब आप चाहें इसकी जगह आप ब्लू भी ले सकते हैं, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं। ये देखिए, तीन कलर का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। तो चलो इसका बनाते हैं कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट हम वाइट से करेंगे, और उसके लिए चाहिए मुझे ग्लू, ताकि मैं इसको यहाँ पे सारा ये कवर अप, यहाँ पे ये सारा चिपकाऊंगी। आप अपने हिसाब से देख लेंगे, उंगली के हिसाब से आपको किस नंबर की रिंग आती है। यहाँ पे मैं 25 स्टैंड ले रही हूँ, एक, दो, तीन, ये देखिए मैंने 25 चैन ले लिए। अब मैं इसका रिंग बनाऊंगी, ये देखिए। अब क्या करना है मुझे इसमें सब में, अब ये कवरिंग तो मैंने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया से करी है, आप चाहे तो यहाँ पे डिजाइन भी, कुछ कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 25 चैन लिए, तो मैं 25 ही इसमें हाफ डबल क्रोशिया की पूरी कवरिंग करूंगी, और मैं ये आपको तीन सर्कल बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारे तीन रिंग बन के तैयार हो गए हैं। ये इस तरह से मुझे तीन रिंग बना लेना है, कोई भी आप कलर ले लेंगे। अब मैंने ग्लू इसमें डाल लिया थोड़ा सा अलग से, और मैं उल्टा देखूंगी ये उल्टा कहाँ पे है।
ये सीधा है हमारा, ये उल्टा है। मेरे को सारे सिरे ले लेना है, ये देखिए सारे उल्टे रख लेना ये देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ग्लू लगाऊंगी। यहाँ पे ये है सीधा, ये उल्टा, इसको यहाँ पे मैं चिपका दूंगी। आप ये सोचेंगे ये वाला पिंक थोड़ा छोटा है, तो ये पिंक धागे का फर्क है, और ये वाला यहाँ पे मैं दोनों तरफ लगाऊंगी ग्लू। ये देखिए इसमें आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, वैसे तो डेकोरेशन इस पर होती नहीं है, अगर आप चाहें तो इस रोज की लगा सकते हैं ओनली। और ये देखिए ये इसको इससे, और यहाँ पिंक वाले को इससे, ये इस तरह से हमारा ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा हमारा, लेकिन ये सूखने तक हमें इस पर इसको ऐसे ही रखना है, जटिस नहीं तो ये खुल जाएगा। ये देखिए ये मैं अभी पहन नहीं सकती क्योंकि ये खुल जाएगा। और ये देखिए ये मेरी इस तरह से, और ये मेरी इस तरह से, और जो भी थोड़ा बहुत धागा ऊपर होगा क्योंकि ये मैंने वो लिया था तो यहाँ से मैंने कट नहीं किया है, तो इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं। अब आप बताइए आपको ये रिंग बनाने का तरीका कैसा लगा, ये आपको रिंग कैसी लगी है, मेन बात रिंग कैसी लगी आपको। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आपको कैसी लगी है नई तरह का डिज़ाइन। और मेरे जो भी नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि उनको आगे मेरी आने वाली वीडियो मिलती जाए नई नई, और नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि आपको पहले पहुंचे मेरी वीडियो डालते ही। धन्यवाद।